सो गाइस अभी पता लगा कि झंडे में एक छोटा सा कट आ गया था विंड की वजह से, तो उसको अभी उतार के नया झंडा लगाने का प्रोसेस मतलब अभी चल ही रहा है, और जल्दी से जल्दी झंडा लग जाएगा नया। एंड दिस इज द पाकिस्तानी फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अस। हाय गाइस, धवल दिस साइड फ्रॉम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिपर, एंड टुडे इज आवर सेकंड डे इन अमृतसर, और हम लोग जा रहे हैं सब अभी वाघा बॉर्डर पर, और वहाँ पर जो अभी मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पर वो बंद हो रखी है बिकॉज ऑफ कोविड, तो वहाँ पर गैदरिंग अभी अलाउड नहीं है, तो हम जा रहे हैं अभी वहाँ पर, देखते हैं कि हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। एंड आई वाज सेइंग कि वाघा बॉर्डर अभी क्लोज्ड है बेसिकली रिट्रीट सेरेमनी के लिए, बट अवर फ्रेंड नितिश हैज सम कॉन्टैक्ट्स विद द डिफेंस, तो हमें शायद एंट्री वहाँ पर मिल जाएगी दी आर्मी एरिया में, बट जो सेरेमनी होगी हम वो अटेंड नहीं कर सकते ऑफकोर्स, वो तो क्योंकि हर बारी हर दिन होती है, बट कॉमन पब्लिक इज नॉट अलाउड टू सी इट, तो शायद हम वो ना देख पाए, बट हाँ एटलीस्ट हम बॉर्डर के पास तक तो पहुँचेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर हमें कितना अंदर तक हम देख सकते हैं, कितना मतलब क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है वो हम देखते हैं अभी, तो चलते हैं फिर जल्दी से। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अटारी वाघा बॉर्डर के पास आ चुके हैं, एंड यहाँ पर आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है, एंड दिस प्लेस इज़ आई थिंक जनरली क्लोज फॉर पब्लिक। तो हमने वहाँ एंट्री पॉइंट पर बात करी थी, तो अवर नेम्स हम चारों के नाम उस लिस्ट में लिखे हुए थे जिससे हमें एंट्री मिल जाएगी, बट हमें कार यहाँ पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी, तो अपन चलते हैं वाघा बॉर्डर तक पैदल यहाँ से। So guys, as you can see, India-Pakistan border यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर दूर है बस, और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, एंड वो रहा वो एरिया जहाँ से अभी आए थे निकल के, एंड वाघा बॉर्डर वाली रोड पर ही आगे चलते हुए यहाँ पर कस्टम्स का एक गेट है, मतलब यहाँ पे कस्टम्स का सेंटर भी है, क्योंकि जो ट्रेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो अभी भी कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पर कस्टम्स की चेकिंग होती है। क्या नारा लगा, भारत माता की जय, वहां जाके चिल्लाते सुभाष। ड्यू टू सम अननोन सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर हमें हमारा इंडियन फ्लैग नहीं लगा हुआ, आई एम नॉट श्योर व्हाई, कुछ रीजन होगा ऑफकोर्स, और सामने दिख रहा है पाकिस्तान का झंडा, अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा और पास से जाके दिखाते हैं। सो गाइस अभी पता लगा कि झंडे में एक छोटा सा कट आ गया था विंड की वजह से, तो उसको अभी उतार के नया झंडा लगाने का प्रोसेस मतलब अभी चल ही रहा है, और जल्दी से जल्दी झंडा लग जाएगा नया। एंड दिस इज द पाकिस्तानी फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अस। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं स्वर्ण जयंती गेट पर, जो कि अटारी वाघा बॉर्डर के पास पड़ता है, और यहाँ पर हर बार प्रैक्टिस होती है हर रोज, जो कि इंडिया की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में होती है, कि यहाँ पर रोज़ जो हम उनका और हमारा नेशनल फ्लैग होता है वो उतारा जाता है, और जनरली जहाँ पर जो होता था यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी होती है जनरली, बट अभी कोविड की वजह से शायद बंद कर रखी है, पता नहीं वो मैं आगे जाके पता लगेगा, तो वो होती है यहाँ पर, और इस तरीके की रिट्रीट सेरेमनी सादगी बॉर्डर जो फजलिका और हुसैन वाला जो कि फिरोजपुर के पास है वहाँ पर भी होती।
गाइस गुड न्यूज़ ये है कि रिट्रीट सेरेमनी है वो होगी और वो हमें देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सीट्स भरी नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा लोगों को आने नहीं दिया गया कोविड की वजह से। एंड गेट के उस तरफ है पाकिस्तान एंड दैट इज द पाकिस्तानी फ्लैग। तो चलिए फिर, तो रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने से पहले यहाँ पर जो देशभक्ति के गाने हैं वो चलाए गए हैं इंडिया साइड पर, और पाकिस्तान साइड पर पाकिस्तानी देशभक्ति के सॉन्ग चल रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी काफ़ी लोग नहीं है, मतलब खाली है पूरा का पूरा एरिया, बट द एनवायरमेंट हियर इज़ वेरी 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 पेट्रियाटिक, मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही अच्छी फील आती है यहाँ पर आकर। सो रिट्रीट सेरेमनी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट और मैं नीचे लेके जाता हूँ आपको जल्दी से। और देखेंगे आप कि यहाँ पर दोनों गेट्स खोल रहे हैं जो बॉर्डर के आस पास के गेट्स हैं दोनों दोनों। एंड द रिट्रीट सेरेमनी इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आई गेस। सो अब वेट करना है बस हम लोगों को। और यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ बढ़ चुकी है बट कंपेरेटिवली जितनी सीट्स हैं उस हिसाब से भीड़ बहुत कम है। और ये दोनों आप देख रहे हैं कि झंडा नीचे हल्का सा नीचे करा जा रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पर आके और ये बहुत ज़्यादा फील होगी कि जस्ट बियॉन्ड दिस गेट इज़ पाकिस्तान। आप मतलब जस्ट इस लोहे के गेट की दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो मतलब इट्स क्वाइट हार्ड टू इमेजिन दैट जब आप यहाँ पर पहली बार आएंगे तो आपको ऐसा जरूर फील होगा। सो गाइस रिट्रीट सेरेमनी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट एंड आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और सीट्स भी थोड़ी बहुत काफ़ी भर चुकी है मतलब। एंड आर्मी वाले हमें मतलब थोड़ा सा एंथुजियास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब वहाँ पर खड़े हुए। मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। सो गाइस मेरे GoPro की बैटरी खत्म हो गई तो वीडियो मैं अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ द वुमेन BSF की जो है हमारी आर्मी पर्सनल वो है जो सामने दिख रही है आपको। Oh!
राइट सर। तो हमारे नेशनल फ्लैग को पोल से उतार दिया गया है एंड हमारे आर्मी पर्सनल जो है बीएसएफ के वो फ्लैग को लेके जा रहे हैं। तो दिस कंक्लूड्स द रिट्रीट सेरेमनी आई गेस। तो जो पूरी पब्लिक है वो जितनी ज़्यादा बॉर्डर के गेट्स के पास जाना चाहती है जाने मतलब कोशिश कर रही जाने की। सो गाइस वाघा अटारी बॉर्डर में रिट्रीट सेरेमनी देखने के बाद हम वापस आ गए और अभी हम वापस अमृतसर की मेन सिटी में ही है और अभी हम मार्केट जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो चलते हैं वहाँ पर गोल्डन टेम्पल। तो फिर साथ में बनिए रहिएगा वीडियो के एंड तक। थैंक्स अ लॉट। तो गाइस दिस इज द मेन मार्केट ऑफ अमृतसर और मतलब काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। बहुत सारी कपड़ों की दुकान है और शूज़ की जूतियों की दुकान भी आपको यहाँ बहुत मिलेंगी। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो मतलब अभी भी काफ़ी मार्केट खुला हुआ है। तकरीबन 9:30 होने वाले हैं लेकिन द मार्केट इज स्टिल ओपन एंड यहाँ पर आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज एनीथिंग यू वांट। सो गाइस वी आर इन द मेन मार्केट ऑफ अमृतसर और हम लोगों ने हमारी रिस्पेक्टिव वाइफ्स के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है मतलब परचेज ऑफ शूज एंड थोड़े से दुपट्टा लिया हमने उनके लिए। सो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द केसा ढाबा जो यहाँ से पैदल रास्ता है काफ़ी मतलब 15 मिनट लगेंगे यहाँ पे चलने में। वी आर क्वाइट टायर्ड। चलिए फिर वहाँ पे चल के कुछ खाएंगे। भाई कितनी ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर यार। भाई यहाँ नहीं खा पाएंगे भाई, बहुत भीड़ है। अभी कोविड से निकला हूँ मैं, अप्रैल में अब नहीं खा पाऊँगा मैं यहाँ पर। नहीं नहीं कहीं और चलते हैं भाई, यहाँ पे नहीं खाऊंगा। हम लोग केसर ढाबा गए थे बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और थोड़ा सा मतलब भीड़ की वजह से एंड कोविड की सिचुएशन को देख के सेफ नहीं लग रहा था तो हमने वहाँ पे अपना डिनर नहीं करा। अब हम आए ब्रदर्स द ढाबा पर जो कि मेन रोड पर ही है। तो चलिए फिर वहाँ चल के अब हम डिनर करने वाले हैं चारों के चारों एंड वी आर क्वाइट हंग्री क्योंकि हम काफ़ी सुबह से भूख रहे। सो गाइस वी आर एट ब्रदर्स द ढाबा एंड बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं एंड गोप्रो की बैटरी भी अब फिर ख़त्म होने वाली है। तो what I'm gonna do, I'm just gonna have my dinner, I'm gonna head back to my hotel and I'm gonna end my vlog here. तो मिलता हूँ आप लोगों से कल, continue करेंगे ठीक है। चल bye, take care.